जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथ जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। इधर से बना लो यार, इधर से बनाओ ना आराम से। काफी जोश में इसके बाद तमाम कार्यकर्ता समर्थन। चलिए आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उसमें बढ़ा है, ये अच्छी बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकता है, आप लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, वो हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत वो हीरा जो है, रात सोना चांदी जो है, वो दौलत नहीं है। दौलत हमारे युवा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हमारी बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो नौजवानों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। घोषणा की कब उम्मीद कर रहे हैं सर? क्योंकि अब ये तो घोषणा से ये उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी जीतेगा। बीजेपी के एक जो है प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि मुगरी ला के सपने हैं, वे कभी सच नहीं हो सकते। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे, कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे। उल्टा हो गया, राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है। तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है। ये आम जनता की राय है, फैसला है, अहम फैसला है। एक इतिहास कायम होगा और 50,000 वोट से हमारा कैंडिडेट, हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से टिकट की घोषणा की है, जीतेगा।